ये जो सैंड आर्ट है इसमें हम एक चलती फिरती कहानी बना सकते हैं, एक सैंड एनिमेशन बना सकते हैं जो डिपिक्ट करता है योर इमोशंस, या मुझे इसमें भी ऑर्डर आते हैं लाइक बर्थडे होता है किसी का, या कुछ फंक्शंस होते हैं, या कुछ मेन इवेंट्स होते हैं, तो उस इवेंट पे मैं क्या करता हूँ कि मैं बनाता हूँ उस फिल्म को या सैंड आर्ट एनिमेशन को विद द फ्लो। बचपन में तो मैं पोर्ट्रेट्स वगैरह या कार्टून्स वगैरह बनाता था, बट रिसेंटली इन 2017 एंड 2018 मैंने वीडियोस वगैरह यूट्यूब से देखना स्टार्ट किया। उस वक्त मैंने सैंड आर्ट देखा था तो थोड़ा सा मेस्मराइजिंग मोमेंट्स फील हुआ मुझे कि ये सैंड आर्ट कैसे करते हैं। फिर 2018 में मैंने सैंड आर्ट करना स्टार्ट किया, मैं सीखता गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर का सैंड आर्टिस्ट हूँ। मैं सैंड आर्ट के बगैर जो है पोर्ट्रेट्स वगैरह और म्यूरल आर्ट जिसको आप बोलते हैं, वॉल पेंटिंग्स जिसको आप बोलते हैं, या रिलीफ आर्टवर्क, बचपन से ही सेल्फ टॉट रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने थोड़ी सी स्किल्स दिए। उसके बाद क्या दिल्ली में मैं फाइन आर्ट्स स्टूडेंट से क्या साथ मिला, उनकी थोड़ी सी स्किल्स पर ध्यान दिया, तो म्यूरल्स में थोड़ा सा मैंने HD में जो 4K HD वॉल पेंटिंग्स है वो वहाँ पर सीखी, ब्यूटिफाई द कश्मीर। तो वो जब प्रोजेक्ट आया तो मैंने फर्स्ट प्लर जहांगीर चौक में बनाया। उसके बाद मैं अभी आर्ट डायरेक्टर हूँ ग्लोबल मल्टीकल्चरल फेडरेशन का, और हम यहाँ की कहानी थ्रो सैंड आर्ट या थ्रो स्पीड पेंटिंग बाहर के मुल्कों में, अब लाइक अभी रिसेंटली मुझे वो टाई अप हो गया उनके साथ। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह IAS भी पढ़ रहा हूँ, और साइड बाई साइड जो है मेरा आर्ट वो मैं चला रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर ड्रग्स पे थीम है तो आप मुझे वॉल दें, मैं फ्री में करने वाला हूँ, नो वेज रिक्वायर्ड, जस्ट आप क्या करें, आप हमें मटेरियल दें, हम क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करेंगे थ्रू द स्ट्रीट्स। आर्टिस्ट वो नहीं होता कि जो पोर्ट्रेट बनाए एंड दैट्स इट, नहीं, आर्ट रेवोल्यूशन ला सकते हैं, तो मैं वही रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ इस कश्मीर वैली में थ्रू माई आर्ट। मैं मैसेज देना चाहता हूँ यूथ को भी, हरी तरफ आए, लाइक वॉल ऑफ काइंडनेस हो रहा है तो हमारी हेल्प करे, लोगों की हेल्प करे, वॉल ऑफ काइंडनेस तो वो ही बताता है ना, टू प्रोवाइड सिंपैथी टू द पीपल। मम्मा पापा ने मेरा देखा कि ये बेटा अच्छा कमा रहा है, और क्या है कि इसको अब लाइक काम आने लगा है इसमें, तो वो प्रॉब्लम्स फिर क्या है कि पॉजिटिविटी में बदल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे मामा पापा मेरे साथ है, या मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ है, वो मुझे दुआएं देते हैं, और जो मैं अभी काम कर रहा हूँ उससे मेरे वालिदीन को भी सुकून मिलता है, मुझे भी सुकून मिलता है, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी सुकून मिलता है।